नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जातक का मीन लग्न के हैं और जातिका मीन लग्न के हैं और उनका लग्न बलवान है तो उनका कैरियर और नौकरी कौन से फील्ड में हो सकती है, उसके जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका मीन लग्न है और लग्न बलवान है तो आपके लिए जो कार्य क्षेत्र हो सकते हैं वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं, आप हैं राज्यपाल के सलाहकार हो सकते हैं, आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं, आप आयात निर्यात के कार्य कर सकते हैं, जल संबंधित पदार्थों के कार्य कर सकते हैं, आप शिल्प बुनाई आदि का व्यापार कर सकते हैं। तो ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मीन लग्न के जातक है और आपका लग्न बलवान है तो क्या क्या कार्य क्षेत्र आपके हो सकते हैं। तो उसमें जो कार्य क्षेत्र हमने बताया कि आप प्रोफेसर, व्याख्याता, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, साथ साथ में आपको मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है, पार्षद हो सकते हैं, इस तरह से आप राज्यपाल तक का भी हो सकते हैं, आप कानून विशारद हो सकते हैं, आप विद्वान है, धार्मिक जो संस्थाएं हैं अर्थात वित्तीय कार्यों में संबंध रखती है उसके कार्य हो सकते हैं, न्यायाधीश के जो है न्यायाधीश हो सकते हैं, आप ट्रस्टी हो सकते हैं, जेल निरीक्षक हो सकते हैं, सुधार समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। इस तरह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मीन लग्न के जातक है और आपका लग्न बलवान है तो आप फिजिशियन हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, बैंक अधिकारी हो सकते हैं, इस तरह से आप प्रकाशक है, पुस्तक विक्रेता हैं, विश्लेषक हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं। तो इस तरह के कार्य क्षेत्र आपके हो सकते हैं अगर आप मीन लग्न के जातक हैं और जातिका हैं और आपका लग्न बलवान है तो आप जेल निरीक्षक हो सकते हैं, सुधार समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं, नगर पालिका के कार्य हो सकते हैं, शरणार्थी शिविर के कार्य में आपको कार्य हो सकता है। इस तरह आप जो है अनुसंधान के जो वर्क हैं उसमें हो सकते हैं, आप टाउनशिप एरिया में या टाउन मेयर हो सकते हैं, इस तरह के जो कार्य हैं वो आपके लिए सूटेबल हैं अगर आप मिलन के जातक हैं और आप का लग्न बलवान है। तो जो कार्य क्षेत्र हमने आपको बताया है वो आपके लिए है, आप प्रकाशक जो विभाग है उसमें है, मुद्रक हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, इस तरह के बैंक अधिकारी हो सकते हैं, पुस्तक विक्रेता का कार्य आपके लिए हो सकता है, विश्लेषण के जो विश्लेषक होते हैं उसका कार्य क्षेत्र आपका है, आप जेलर एवं पार्षद संबंधी जो भी कार्य क्षेत्र हैं वो कार्य हो सकते हैं आपके। तो इस तरह हमने जाना कि अगर आप मीन लग्न के जातक हैं और आप का लग्न बलवान है तो जो कार्य क्षेत्र आपको बताया वो सब कार्य क्षेत्र आपके लिए हो सकते हैं, आप साहित्यकार, वकील, राजनीतिक, प्रोफेसर, ज्योतिषी, न्यायाधीश आदि के कार्य क्षेत्र आपके लिए हो सकते हैं। इस तरह आपने जाना कि अगर आप मीन लग्न के जातक और जातिका हैं और आपका लग्न बलवान है तो आप धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं, आप LLB कर सकते हैं और उसमें वकील का काम, कानून विशारद का काम है, वो सब कार्य आपके लिए हो सकते हैं, आप अस्पताल के अधीक्षक जो होते हैं उसका कार्य भी आपके लिए हो सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर आपका मीन लग्न है तो आप
कौन से कार्य क्षेत्र अपना सकते हैं, उसमें हमने बताया आपको फिजिशियन हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, ये भी कार्य क्षेत्र आपके लिए हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मिलन के जातक और जातिका हैं तो आपके लिए जो कार्य क्षेत्र हमने बताए हैं वो आपको शिक्षा विभाग का कार्य क्षेत्र आपको बताया हमने, आप आयुर्वेद विभाग जो रहते हैं वो भी इसका कार्य क्षेत्र में आता है, आयात निर्यात के जो कार्य क्षेत्र हैं वो भी इसमें आते हैं, जल संबंधी पदार्थों के कार्य भी इसी के अंदर आते हैं, आप जवाहरात आदि के जो कार्य हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी व्यापार आपके ये है, बुनाई आदि का व्यापार है वो भी आपके लिए है। इस तरह से आपने देखा कि आप अगर मिलन के जातक हैं तो जो भी हमने कार्य क्षेत्र आपको बताया उसमें आप नौकरी व्यवसाय को देख सकते हैं। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए। अगर आप चाहते हैं टेलीफोन से परामर्श तो मामूली दक्षिणा प्रदान करके आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।